आस्थान है रहीमशाह करीमशाह श्रीरंग थाने। जो कि यहाँ खिदमत गुजार थे और जिन्होंने करीबन 30 से 35 साल 40 साल इनके पूर्वज और इनके पुरखों ने यहाँ पर रहीमशाह करीमशाह के दरबार में इन्होंने खिदमत की है और आज ये हमारे बीच नहीं रहे तो हम इनकी भी मनोकामना के लिए दुआ करते हैं और इस उर्स की मुकम्मल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं थाने दहशत की टीम की तरफ। ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ तकसीम किया है लंगर का, इस तरीके से इन्होंने हिसाब बनाया है और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है ये दरगाह कमेटी की तरफ से जानिब से, और बाबा का दरबार है दर्शन नमाज के लिए। ये इस तरीके से दिखाए दरबार है रही जा करीब और यह आता है आस्था का प्रतीक है ये दरबार, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के मानने वाले हर जाति के मानने वाले यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, अपनी मन्नत मुरादों को पाते हैं। यहाँ पर यह दरबार है रहीमशाह करीमशाह श्रीरंग थाने में।
सल्ले आला की धूम सब ने मचाई है, अल्लाह वर्षा की चादर आई है, अल्लाह अल्लाह वर्षा की चादर आई है। अब के वाली है मेरे करी मुशा, रब के वाली है मेरे रही मुशा। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क पे आप लोगों का स्वागत है और हम आए हैं रहीम शाह करीम शाह दरबार में। तो जहाँ पर हम संजू वामन तरे सर के साथ में हम थोड़े सी कुछ मुलाकात कुछ भेंट करेंगे, जो इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया रहीम शाह करीम शाह दरबार के अंदर, और लाखों जाहिरीन हाजरीन और मुरादी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आस्था के लेके, और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि आस्था का प्रतीक है यहाँ पर कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर संजू वामन तरे सर से दो शब्दों में इनसे कुछ गुफ्तगु करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो सर आपका ठाणे दहशत मीडिया पे आपका स्वागत है। तो सर जिस तरीके से आपने इंतज़ाम किया आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा ये हर साल का ये गुसल का प्रोग्राम रहता है, उर्स रहता है, लेकिन ये दो साल से जो मेरे बड़े भाई साहब है आनंद तरे साहब वो नहीं है जी जी। मेरे को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो नहीं है, सब उन्होंने सभी चालू किया था जी। जो उन्होंने जो चालू किया है रीति रिवाज वो मैं ऐसे ही आगे चालू रखूँगा इतना ही कहता हूँ, और जो भी हमारी जो सब मुश्किलें हैं वो निकल जाए, और बाबा के सेवा में कुछ कमी हो गई है तो बाबा मुझे माफ़ करें, और जनता की सेवा और ये सब सेवा ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा तब तक बाबा की ऐसी सेवा चलती रहेगी, हमारे कुटुंब से तरे परिवार से सब वो सब होता रहेगा जी। तो हमने देखा कि तरे परिवार की तरफ से यहाँ पर सहयोग किया जाता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आस्था ने के ऊपर अपनी मंशा लिए यहाँ पर आस्था का प्रतीक देखते हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना लिए आते हैं और अपनी दिल की हर मुरादों को पाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा है कि हमारे दादा दादी तब से अपना दरगाह है जी, और तब से हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, और ये इनका इतना सख्त ये है कि आप जो मांगो हमको मिल जाता है, दुआ करो तो दुआ मिल जाता है, जो जिसको जो चाहिए मिल जाती है। इसलिए सब लोग यहाँ जिनको उनका ये होता है अंदाज़ा होता है कि ये अपने को यहाँ आके कुछ मिलता है वो सब लोग यहाँ आते हैं। और दो तारीख को हम किसको बोलते हैं कि हुरू से करके दो तारीख को यहाँ पहुँच जाते हैं अपने आप बिना बुलाए पहुँच जाते हैं, ये उनका कर्म है। तो ये थे हमारे संजू वामन तरे सर जिनके साथ हमने छोटी सी बात की गुफ्तगू की। कैमरामैन सिप्तेन शेख के साथ संवाददाता अहनु शेख ठाणे मीडिया नेटवर्क की तरफ से ठाणे दहशत। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद जय महाराष्ट्र।